शासन के निर्देश पर जिला और पुलिस प्रशासन मुख्तार अंसारी गैंग के आपराधिक और आर्थिक साम्राज्य के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। मऊ में मुख्तार गैंग के सदस्यों पर पुलिस जिला अधिकारी के निर्देश पर 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत मुख्तार गिरोह के सदस्य सुरेश सिंह की 3 बसें, 3 लग्जरी कार और 3 बाइकों को जब्त किया गया है। मऊ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आज जब्त किए गए वाहनों की अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ है। वहीं 2 दिन पहले भी 4 बसों को जब्त किया गया था, जिनकी कीमत 86 लाख रुपए है। दोनों कार्रवाइयों को मिलाकर 1.91 करोड़ रुपए के वाहनों को जब्त किया जा चुका है। मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य के वाहनों को रिजर्व पुलिस लाइन के कैंपस में खड़ा किया गया है। बता दें, जिले के सदर विधानसभा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का गैंग IS-191 है, जिसके संरक्षण में पूर्वांचल के कई आपराधिक गैंग फलीभूत होते हुए आए हैं, लेकिन योगी सरकार की सख्ती के बाद से इन पर शिकंजा कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी के गैंग के कई तरह के कारोबार हैं, ठेके के कारोबार से लेकर जमीन खरीद फरोख्त तक, मछली मंडी के ठेके और टैक्सी स्टैंड तक में गैंग सक्रिय है। ऐसे में शासन के निर्देश पर पुलिस संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।